सब्सक्राइब करें दोस्तों लेटेस्ट वीडियोस के लिए, और साथ ही बेल का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो आए आप सबसे पहले देख पाएं। फ्रेंड्स, दो शानदार गाड़ियां, दो शानदार ब्रांड्स, उनमें से एक बेटर है कमर्शियल यूज के लिए और दूसरी बेटर है पर्सनल यूज के लिए। तो ये डिसीजन आपको करना है फ्रेंड्स कि आप पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हैं या कमर्शियल यूज के लिए। दोनों ही गाड़ियों में किसी तरह का कोई भी माइनस नहीं है। तो आपको बताने जा रहे हैं मैं ऐसी दो शानदार गाड़ियों की डिटेल्स जिनके ब्रांड्स नंबर वन हैं तथा जिनके फीचर्स नंबर वन हैं तथा दोनों ही अपनी कंपनी का फेस यानी कि मुख्य चेहरा हैं और सबसे ज़्यादा सेल होती हैं अपनी कंपनियों के अंदर। तो फर्स्ट है दोस्तों वैगन आर VXI ऑप्शनल वेरियंट्स। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, हम जो वेरियंट्स बताने जा रहे हैं उसमें फीचर्स का डिफरेंस आ जाता है, तो आप इसी वेरियंट्स पर ध्यान दीजिए। दूसरा है टाटा टियागो का XM वेरियंट्स। अब एक बेहतरीन बात यह कि फ्रेंड्स दोनों का बिल्कुल सेम प्राइस है, यानी 485 दोनों का एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों। इसके अलावा फीचर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा नहीं कई एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे टियागो में अगर आप पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वैगन आर में 1 लीटर का इंजन मिलता है जो देता है 67, तो वैगन आर जहाँ पर देती है 22, वहीं पर टाटा टियागो का ये वेरियंट्स दे देता है लगभग 23.8 यानी लगभग 24 के आसपास का माइलेज। इसके अलावा दोस्तों जहाँ तक रिमोट ट्रंक ओपनर और रिमोट फ्यूल LED ओपनर हैं आपको टाटा टियागो में मिलते हैं, वैगन आर में आपको नहीं मिल पाते हैं, लेकिन पार्किंग सेंसर्स आपको दोनों गाड़ियों में मिल रहे हैं। एक डिफरेंस और आता है दोस्तों, वैगन आर में बोतल होल्डर आपको फ्रंट में मिलते हैं, चार्जिंग का कोई सिस्टम नहीं दे रहा है, जबकि टियागो में फ्रंट में मिल जाता है USB चार्जिंग फैसिलिटी। इसके अलावा अगर आप बात कर लें सुरक्षा की, तो दोस्तों ABS हो, चाहे सेंट्रल लॉकिंग हो, पावर डोर लॉक हो, या इसके अलावा चाइल्ड सेफ्टी लॉक हो, एंटी थीप अलार्म हो, ड्राइवर पैसेंजर की एयरबैग हो, यानी कि ऑल टू ऑल फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों में सेम मिलने जा रहे हैं। इसका होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद दोस्तों मेन पॉइंट्स ध्यान रखिए। देखिए लेंथ जहां पर बात है वैगन आर की 3655 है, वहीं पर लेंथ टाटा टियागो की 3746 है, जबकि विड्थ है 1620, वहां पर 1647 आती है आपकी टाटा टियागो की, जबकि हाइट है वैगन आर की ज़्यादा 1675, टाटा टियागो की है 1537। और कर्व वेट यहां पर मेन पॉइंट्स ये देखिए, वैगन आर का है 820, जबकि तो फ्रेंड्स देखिए आप बिल्कुल सेम वेरिएंट्स में होने के बावजूद भी इनमें वेट में अंतर आता है टाटा टियागो में लगभग 1.5 क्विंटल्स का, जो निश्चित रूप से सेफ्टी के लिए बेटर है। तो आप पर्सनल यूज के लिए उसे ले सकते हैं निश्चित रूप से, और अगर आप कमर्शियल यूज के लिए लेना चाहते हैं तो वैगन आर से बेटर कोई दूसरी गाड़ी नहीं है दोस्तों। तो ये थी हमारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप शेयर करें, और लेटेस्ट कार बाइक न्यूज़ के साथ स्मार्टफोन गैजेट के रिव्यू भी देखें हमारे चैनल्स पर, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में